दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल। वेलकम बैक टू ऑटो डिस्कवरी शो। ये हमारी सुजुकी ऑल्टो है 2006 मॉडल। इसके अंदर मसला आ गया है कि यार ये रेस छोड़ो तो ये बंद हो जाती है गाड़ी। अब ये देखते हैं, हमने मैकेनिक भाई को लेकर आए, इनके पास गाड़ी चेक करवाते हैं, ये बताते हैं कि क्या सोल्यूशन है इसका। बहुत शुक्रिया। हमारी गाड़ी का इशू ये आ रहा है कि गाड़ी में पेट्रोल भी है, सब कुछ है, लेकिन बात यह है कि रेस जैसे हम छोड़ रहे हैं ना, गाड़ी बंद हो जाती है। रेस छोड़ने गाड़ी बंद हो चुकी। बड़ी मुश्किल से हम चला के यहाँ तक लेकर आए, बहुत मुश्किल से। 50 बार बंद हो चुकी है, 50 बार स्टार्ट हो रही है। अभी इसका कार्बोरेटर खोल रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है इसका। Hold on, just let us escape and fly away tonight. फीडर खोला तो इसमें से आप देख सकते हैं कचरा कितना है। टैपिट की आवाज़ करते थे, तो हम इनकी टैपिट की भी आते आते सेटिंग करवा लेते हैं। तो ये टैपिट की सेटिंग भी कर रहे हैं।
ये हमारी गाड़ी के दो टेबिट लूज थे, इनके इनको टाइट कर दिया गया, दोबारा से टॉर्क कर दिया, वापस की टेबिट कवर की फिटमेंट की जा रही है। अलहमदिल्ला हमारी गाड़ी का काम हो गया, टैबलेट की सेटिंग कर दी है भाई ने और कार्बोरेटर की सफाई करी है। बाकी ढोलकी का साउंड आ रहा है, वो कह रहे हैं कि ढोलकी बहुत ज़्यादा छोटी लगी है गाड़ी की, ये ढोलकी चेंज करानी। चलें आप बात करते हैं उनसे, इनके पैसे कितने होगा फिर वो आपको बताता हूँ कि कितने कितनी देर हुई है इस काम को और कितने पैसे होगा। ये हमारी गाड़ी अलहमदिल्ला ऑन रोड हो गई है। ये कि भाई ने 500 रुपये अपनी लेबर चार्ज किए हैं, जिसमें उन्होंने कार्बोरेटर की पूरी सफाई की है और टेबिट की सेटिंग की है, और हमें और दो एक दो मतलब और बता भी दिए हैं कि यार गाड़ी में ये मतलब है कि ढोलकी इसकी अपनी नहीं लगी हुई, बताया कि यार लोकल लगी हुई है, कोई छोटी गाड़ी की लगी हुई है जैसे रिक्शे वगैरह की। तो उन्होंने बोला यार ढोलकी चेंज करा लो तो एयर का एग्जॉस्ट का प्रेशर थोड़ा रिलीज होगा ना, तो सही साउंड आएगा और गाड़ी फुलेगी थोड़ी सी। चले फिर जब एग्जॉस्ट वगैरह हम इसका चेंज करवा रहे होंगे तो फिर उसका आपको बताएंगे। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ इसके एक्सल के बूट वगैरह चेंज करवाने, और फट गए जिसकी वजह से वो गाड़ी चलाओ खड़ 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 का साउंड दे रही है। तो फिर चलना है एक्सल वाले के पास और आगे अपनी वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करना है।